हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म फुकरे 3 की। फुकरे 3 फिल्म दिल से बड़ी है, लेकिन पुल के सम्राट वरुण शर्मा और पंकज त्रिपाठी की यह फिल्म जबरदस्त कॉमेडी, दोधारी संवाद और सामाजिक टिप्पणियों से भरी हुई है, लेकिन इसमें आत्मा की कमी है। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि यह फिल्म कैसी है, इस फिल्म की कहानी में क्या है, यह फिल्म हिट गई या फ्लॉप गई, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बॉलीवुड मूवी की अपडेट और रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से हनी यानी कि पुल के सम्राट, चूचा यानी कि वरुण शर्मा, पंडित जी यानी कि पंकज त्रिपाठी और लाली यानी कि मंजोत सिंह वापस आ गए हैं। जब दर्शकों को पहली बार 2013 में हनी और उसके गिरोह से परिचित कराया गया था, तो फुकरे एक मिलनसार आने वाली उम्र की कहानी थी जो कि कॉमेडी से भरपूर थी। फिर दोस्तों, इसके बाद फुकरे रिटर्न जब 2017 में रिलीज हुई, तो चरित्र विकास की एक निश्चित भावना को दिखाते हुए अधिक सांसारिक कथनाक लाकर कहानी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन क्या फुकरे 3 अपने पूर्ववर्ती द्वारा स्थापित उम्मीदों पर खरी उतरती है? अब दोस्तों, अगर वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फुकरे रिटर्न्स के समाप्त होने के तुरंत बाद फुकरा गिरोह, जो कभी लोकप्रिय जनता स्टोर का मालिक था, वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपरंपरागत तरीकों का सहारा ले रहा है। एक समय अपनी जोशीली हरकतों और उद्यमशीलता की आकांक्षाओं के लिए जाने जाने वाले हनी, चूचा, लाली और पंडित जी, यह सभी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें अपने वित्तीय प्रयासों में बड़ा झटका लग रहा है। जनता स्टोर के सामानों की बिक्री धीरे धीरे कम होती चली गई है, क्योंकि गिरोह अब कमाई के लिए सरल जुगाड़ और चूचा की असाधारण शक्ति दे जा चूका सारा लेता है। अब इस बीच ऋचा चड्ढा यानी कि भोली पंजाबन ने जल संसाधन मंत्री पद के लिए राजनीति की दुनिया में कदम रखा है। पर्दे के पीछे जल माफिया के सरगना ढींगरा नाम से मशहूर कुख्यात शख्स ने भोली पंजाबन को अपना समर्थन दिया है, और वहीं दूसरी ओर हनी साजिश रचता है और चूचा को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भोली के सामने खड़ा कर देता है, जो उसे पसंद नहीं है। घटनाओं की श्रृंखला एक ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ राजनीति और अवैध गतिविधियों के उथल पुथल भरे अंतर संबंध के लिए मंच को तैयार करती है। तो दोस्तों, फुकरे 3 एक कॉमेडी से भरी हुई आनंददायक फिल्म है, जो आपके मन में कभी कभार खिलखिलाहट और छड़क रूदी हंसी लाएगी, लेकिन इसकी फूहड़ कॉमेडी, दोहरी संवाद और काफ़ी हद तक की गई सामाजिक टिप्पणियों के बीच क्या यह कॉमेडी ऑफ एरर्स वास्तव में कोई प्रभाव डालती है या नहीं, यह तो आपको यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, यह था आप सबके सामने फुकरे 3 फिल्म का रिव्यू, जिसको मैं देना चाहूँगा 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।